उसमें मुसलमान महिलाओं का क्यों रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहते आप? 7% मुसलमान महिला है। आप मांग रहे हैं मुस्लिम महिलाओं के लिए रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन, जैनी महिलाओं के लिए क्यों नहीं, सिख महिलाओं के लिए क्यों नहीं? जानना चाहती हूँ कितनी महिलाओं को आपने, आपकी पार्टी ने टिकट दिया? आपकी पार्टी ने कितनी कितने मुसलमानों को टिकट दे दिया? ओबीसी महिले टिकट में लोकसभा के अंदर दो ऐसे शेर थे जिन्होंने हमारे को समर्थन किया। लोगों को शेर नहीं कहेगी और दूसरे जानवर का नाम मैं नहीं लूंगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरी शो। दोस्तों बात करें आज की वीडियो की, तो आज की वीडियो होने वाली है रूबिका लियाकत और AIMIM के प्रवक्ता वारिस पठान के बीच में। दोस्तों महिला आरक्षण बिल को लेके ये डिबेट है, डिबेट बड़ी मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। चलिए मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरुआत वारिस पठान आपसे। सारी महिलाएं याद रखेंगी आपको, दो कौन थे जिन्होंने महिलाओं का साथ नहीं दिया? तो नाम आएगा AIMIM के इम्तियाज जलील और दूसरे असद भाई। नहीं रूपिका जी, देखिए महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन हो सब चाहते हैं, महिलाएं आगे बढ़ी सब चाहते हैं। हमने यही कहा था ना कि जब महिलाओं को रिजर्वेशन का बिल ला रहे हो आप, तो उसमें ओबीसी महिलाओं को क्यों नहीं डालते आप? उसमें मुसलमान महिलाओं का क्यों रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहते आप? 7% मुसलमान महिला है, मगर विधानसभा के अंदर उनका परसेंटेज क्या है? ओनली 0.7%। तो क्या उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए? मगर मोदी जी को एक स्पेशल सेशन बुलाना पड़ा। 9.5 साल में उनकी कभी आंख नहीं खुली कि हमको वुमेन रिजर्वेशन बिल लाना है। अभी भी जो बिल लाया है स्पेशल सेशन लाकर, उसका सेंसस जो करना था 2021 में, तो सेंसस नहीं हुआ। अब सेंसस कब होगा? उसके बाद डिलिमिटेशन करना बाकी है उसका। वो डिलिमिटेशन का लॉन्ग प्रोसेस है, इतना आसानी से नहीं होता वो। उसके बाद इसका बिल का इम्प्लीमेंटेशन होगा असेंबली में। जाए मैंने आपकी बात को बहुत तफसील से सुना, अब एक एक करके मेरे एक 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 सवाल का जवाब दीजिए। क्या प्रॉब्लम है हमारे से? ना ना ना, पहला सवाल, आप मांग रहे हैं मुस्लिम महिलाओं के लिए रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन, जैनी महिलाओं के लिए क्यों नहीं, सिख महिलाओं के लिए क्यों नहीं, पारसी महिलाओं के लिए क्यों नहीं? ये ओबीसी कहां हुए? ये ओबीसी नहीं है। अरे ये जो रूबिका जी, ये जो रिजर्वेशन है ना, हाँ हाँ, ये इंक्लूसिव नहीं है, ये एक्सक्लूसिव है। अरे नहीं नहीं, पर आपका आइडिया भी तो इंक्लूसिव नहीं है ना वारिस भाई। आपका आइडिया कहां एक्सक्लूसिव है? आपने सिख महिलाओं के लिए क्यों नहीं मांगा? आपने आपने दूसरी माइनॉरिटी जैनियों के लिए क्यों नहीं मांगा? सिर्फ मुसलमानों के लिए क्यों? सबके लिए, सबके लिए। ओबीसी में आए कितने सारे लोग आपको पता है? माइनॉरिटी के अंदर मुसलमान, ओबीसी में आते हैं क्या? मांगा तो ये तो सब सपोर्ट कर ही रहते हैं ना। नहीं ओबीसी में आते हैं। सुनिए मैडम, एससी एसटी ओबीसी मुसलमान माइनॉरिटी, ना ना मुसलमान तो धर्म हो गया 33% के अंदर। ना ना वारिस भाई, एसटी एससी ओबीसी में समझ गई, मुसलमान धर्म हो गया। सुनिए, धर्म के आधार पर आप नहीं किसी से रिजर्वेशन मांग सकते। और अगर आप मांग रहे हैं, मैं कह रही हूँ चलिए, आप अगर ये अगर इकोनॉमिकली उठा रहे हैं तो फिर सिख महिलाओं के लिए क्यों नहीं बोले वारिस भाई? पारसी के लिए क्यों नहीं बोले वारिस भाई? सब है ना बोल। अरे सुनिए मैडम, आपने कमिटियों के रिपोर्ट शायद नहीं पढ़े, मैंने पढ़ा हूँ। सच्चर कमेटी, महमूद रहमान कमेटी, सब कमेटी ने दर्शाया है। तो असद कमेटी की बात कर रही हूँ ना, असद ओबीसी कमेटी जो आज अपनी रिपोर्ट सौंप रही है सदन में। नहीं नहीं, बात तो निकलेगी तो दूर तक जाएगी। कहाँ दूर तक जाएगी मुझे बताइए ना। आपने इन महिलाओं का तो जिक्र किया नहीं, एक का नाम आपने लिया नहीं, एक को नाम मुझे बता दीजिए। मुस्लिम 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 मुस्लिम, सिर्फ मुस्लिम महिलाएं और बाकी सब महिलाएं जो माइनॉरिटी से ताल्लुक रखती है वो क्या करें? आपको मुसलमान महिलाओं से, आपको मुसलमान महिलाओं से इतनी नफरत क्यों है? मेरी एक सिंपल सवाल का सिंपल जवाब देगी। सुनिए, कोई जात नहीं चलती है। पहले जवाब दो। सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान जात है तो वो महिला जात है। आप महिलाओं में जात पात मत लाइए, महिलाओं की जात मत देखिए। रूबिका की, अनिला की, अनीसा की, मोदी जी ने क्यों, अंकिता की, कोई जात नहीं है, क्यों नहीं दिया? महिला जात है सबसे बड़ी जात, क्यों नहीं दिया? अरे वाह, आप पकड़ा गए।
अब आप पकड़ा गए रूबिका जी, आप पकड़ा गए भाई, को क्यों नहीं दिया पहले ही, पकड़ा गए आप, क्यों नहीं दिया जल्दी, आप बोल रहे हो कि जात पात मत देखो, सबको दो, हाँ तो सबको सब दिया जा रहा है ना, तो दो सबको फिर। अब ये पहला सवाल था, आपका सवाल आप उसमें फंस गए, अब आप नहीं बोल पाएंगे, छोड़ दीजिए, आपके जवाब में फेल हो गए, पहले सवाल में रूबिका जी आप फेल हो गए, मैंने सुना कायदे से सुना, आपको बीच में नहीं टोका, मैंने कहा क्या पता वारिस भाई वकील आदमी है, अभी बोल देंगे, अभी सिख औरत आ जाएगी समीर साहब में, मुझे लगा, फिर मुझे लगा नहीं नहीं पारसी बोल देंगे, अच्छा, फिर मुझे लगा कि नहीं नहीं कोई और माइनॉरिटी जो महिला है उसका जिक्र कर लेंगे, आप बैकफुट पर हैं, पहली आपकी हार स्वीकार कर लीजिए, अब दूसरा दूसरे नंबर पर आपसे मुझे मसले पर सवाल करना जरूरी है, महिलाओं से और मुसलमान महिलाओं से नफरत क्यों है, आपने जवाब नहीं दिया, पूरा देश देख रहा है मुझे किससे प्रॉब्लम है, राज तो बताइए, मुझे किसी और महिला से प्रॉब्लम नहीं है, महिलाओं में बंटवारा करने वालों से प्रॉब्लम है, अब दूसरा सवाल मेरा ये है, बिल्कुल, आपने कितनी मुस्लिम महिलाओं को टिकट दिया है, जो पार्टी महिलाओं के साथ खड़ी नहीं है और खासकर मुस्लिम महिलाओं के साथ खड़ी दिखाई दे रही है, मैं जानना चाहती हूं कितनी महिलाओं को आपने आपकी पार्टी ने टिकट दिया, एक सवाल जरा रूबिका जी आपसे भी है, आपकी पार्टी ने कितने मुसलमानों को टिकट दे दिया है, तो महिला पार्टी है सर, मैं तो कह रही हूँ सारी पार्टी, आपकी पार्टी ने रिकॉर्ड तोड़ा, मेरी पार्टी तो आप वाली भी है, बीजेपी पार्टी वो पार्टी है जो देश की बात करे, समझ गए आप, देश की बात करें, और सुनिए किसी पार्टी को ज्वाइन तो करना होगा तो रूबिका लियाकत ताल ठोक के ज्वाइन करेगी, आप रोक ना पाएंगे, याद रखिएगा, रोक ना पाएंगे आप, नहीं नहीं रोक, मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिसमें मुंह छुपाते फिरना पड़े, बीजेपी अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, आपकी पार्टी ने कितने लोग, अरे मैं एकदम सही कह रही हूँ, ताल ठोक के ज्वाइन करूंगा किसी को ज्वाइन करना है, आपके आपके वाले तो लेके आए थे कल ही, जब देश का जगत के सामने कहा था आप ले लीजिए टिकट, मैंने कहा टोकरा लेके आए थे तब भी ना लगे आपकी टिकट में, अच्छा सुनिए अभी सुनिए, जब देश का इतिहास लिखा जाएगा ना, तब हमारी ओबीसी महिलाएं और मुस्लिम महिलाएं छाती ठोक के कहेगी कि वाकई में लोकसभा के अंदर दो ऐसे शेर थे जिन्होंने हमारे को समर्थन किया और हमारे समर्थन के लिए वोट किया, चलिए बताइए, शेर नहीं कहेंगे, नहीं किया मोदी के साथ, नहीं गए, हालांकि सबने ऑब्जेक्शन उठाया था, जानवर का नाम मैं नहीं लेना चाहती हूं, खड़े रहे अपनी बात, खड़े रहे, नहीं कहेंगे वो, इतिहास वो आपको शेर नहीं कहेंगे, दो लोगों को शेर नहीं कहेंगे और दूसरे जानवर का नाम मैं नहीं लूंगी, अब आपको जानवरों से नफरत, आपको ओबीसी महिलाओं से नफरत, अनिला जी महिलाओं से नफरत, अरे तो क्या नफरत किसी से नहीं है प्रभु, मुझे जो है मुझे किसी से नफरत नहीं है, आप लोगों से मुझे दिक्कत है और दिक्कत इसलिए क्योंकि आप महिलाओं में भी जात पात ढूंढने निकल चले हैं, अनिला जी शेर है दो जिन्होंने वोट नहीं किया है, दिक्कत इसलिए क्योंकि बात करते हैं जस्टिस की बात करते हैं, वारिस भाई सीधे तौर पर आपको नफरत है, वारिस पठान जी को लगता है कि इस राष्ट्र के संविधान में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, इनके हिसाब से जो राष्ट्र का जो संविधान है उसको फाड़ कर फेंक देना चाहिए, उसमें आग लगा देनी चाहिए, उसमें लिखा हुआ है ना धर्मनिरपेक्ष, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, अगर उसमें लिखा हुआ है तो ये धर्म लेकर आ जाएंगे, धर्म के आधार पर आप जो है सीटों को रिजर्व करो, तमाशा बना के रखा हुआ है, कह दीजिए यहां पर बैठ के कि आपके पूर्वजों ने बहुत बड़ी गलती करी कि भारत में रह गए पाकिस्तान नहीं गए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है साहब, पाकिस्तान जरूर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, वहां पे जाके ढोल नगाड़े के साथ आपको जो कहना है कहिए, भारत में अगर रहना है तो अगर आप कहेंगे कि धर्म के आधार पर आरक्षण हो जाए तो भारी गलतफहमी में बैठा हुआ है। दोस्तों आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स करके जरूर बताना, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।